जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम बनाएंगे पनीर पिज्ज़ा। जो पनीर ये पिज्ज़ा बेस हमें हमेशा डेली नीड्स के दुकान पर दिखता है, लेकिन इसे कैसे बनाएं आज हम सीख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने ले स्वीट कॉर्न, पनीर, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, प्याज। ये सब्जी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी पसंदीदा ऐड कर सकते हो या इससे जो पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हो। पनीर, पिज्जा सॉस, बटर, चीज। ये प्रोसेस चीज लिए मैंने पहले से घिस के रखी है, आप मोंजोला चीज भी इस्तेमाल कर सकते हो। और पिज्जा मसाला, अभी ये बिना ओवन के बनाएंगे आप, इसको हम अभी पैन में बनाएंगे। जब तक हमारा पैन गर्म होता है तब तक हम पिज्जा बेस को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर मैं इसको लगाऊंगी पिज्जा सॉस। यदि आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो आप टमाटर केचप तो हर घर में होता ही है, उसी में चिली फ्लेक्स और चाट मसाला मिलाकर इस्तेमाल करोगे तो भी और अच्छा लगेगा। अब डालूंगा इस पर चीज आपके पसंद अनुसार, ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा डालना, नहीं तो कम में भी बहुत बढ़िया लगता है। अब पनीर पिज्जा बना रहे हैं तो सबसे पहले हम इस पे डालेंगे ढेर सारा पनीर। और आप आपके पसंदीदा हिसाब से ही पिज्जा को सजाना, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा। ये नहीं कि मैं जो डाल रही हूँ उसी से, आप आपके हिसाब से भी अच्छे से उसे बना सकते हो। स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा प्याज, और डालूंगी मैं इसमें चीज। और ये पिज्जा मसाला, ये ना हो तो आप इसके बजाय चाट मसाला भी डाल दो तो भी चलेगा, या चिली फ्लेक्स डाल देना। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर हल्का सा नमक, हमारे चीज में भी ढेर सारा नमक है इसलिए हम बस थोड़ा सा ही डाल देंगे। अब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं डालूंगी इस पर बटर। बटर को अच्छे से फैला देंगे। और अब जाएगा हमारे इसके ऊपर फेवरेट पिज्जा। इसको हमें चीज मेल्ट होने तक पकाना है, बिल्कुल कम गैस पे रखेंगे हम इसे ताकि वो नीचे से जले ना। अब हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे, अब इसे हम पिज्जा कटर से कट करेंगे या चाकू से भी आप कट कर सकते हैं। एकदम नीचे से भी क्रंची हो गए हैं और फटाफट बन जाता है घर में। बस हो गया हमारा पिज्जा खाने के लिए बिल्कुल रेडी।
यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे मेरे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।